हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच जॉर्ज 084 पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आया था और उसकी स्किन जो है वो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करवा के लटक सी गई थी और रिंकल्स हो गए थे और झुर्रियाँ पड़ गई थी, जिसके कारण कि वो चाहते थे कि हाँ कुछ नेचुरल तरीके से उन्हें बताया जाए ताकि वो उनकी स्किन जो है वो फ्रेश लुकिंग और रिंकल फ्री हो जाए। लेकिन एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है, हमें अपनी डाइट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल जो है सैलड्स हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए अंदर से, तो हमें अपनी स्किन को अगर हम अच्छी तरह से मतलब कि अपना डाइजेशन अच्छा रखेंगे तो वो सारा कुछ होगा। लेकिन थोड़ा बहुत हमें बाहर से भी करना पड़ता है ताकि हमें जो बाहरी चीज़ें हैं जो हैं उनसे प्रभाव जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया है चिया सीड। चिया सीड को क्या करना है, आपने चिया सीड का एक चम्मच चिया सीड लेने हैं। चिया सीड के बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है तो इसलिए सबको ही पता होगा कि चिया सीड क्या होते हैं। तो चिया सीड को जो है नॉर्मल जो दूध है दूध में भिगोना है, इतना भिगोना है मतलब कि जितना, जैसे कि एक चम्मच चिया सीड डालेंगे तो उसमें 2-3 चम्मच दूध डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह सोख हो जाए, क्योंकि उनसे 3 गुना पानी जो है, क्योंकि वो फूल जाते हैं, तो उसमें 3-4 चम्मच जो है वो दूध डाल दीजिए, 1 चम्मच चिया सीड। उसके बाद क्या है, उसे ओवरनाइट भिगो सकते हैं, अगर ओवरनाइट नहीं भिगोना है तो 1 घंटे के लिए इनफ है, वो फूल जाएंगे। जब वो फूल जाएंगे तो उसमें चावल का आटा जो है वो 1 चम्मच डाल के उसकी ऐसी पेस्ट बना लीजिए ताकि वो थिक, जैसे कि हम मास्क कोई लगाते हैं वो ड्रिप नहीं करना चाहिए, मास्क लगाना है। और जब आप मास्क लगाएंगे तो मास्क को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके लगाना है, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा मास्क लग जाएगा तो उसे मतलब गले पे भी लगा सकते हैं, ये सारा पोर्शन में अच्छी तरह लगा के आराम से बिना बोले हुए मतलब 30 मिनट्स तक आप उसे रहने दीजिए। जब वो 30 मिनट्स हो जाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने पे क्या करना है, गुलाब जल ले लीजिए। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो वाटर है उससे आप उसे हल्का हल्का गीला करके अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ करके उतारना है। उतारने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है बड़ी अच्छी सी फील आ रही है। लेकिन एक से कुछ नहीं होगा, आप हर हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 बार अगर उसे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 महीने में आपकी जो स्किन है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। मतलब 1 मंथ तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा, 1 मंथ में आपकी स्किन जो है की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। और आप जो है देखेंगे कि अगर वो रेगुलर भी आप लगाते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता। चावल जो है वो आपने, आपको पता ही है कि हाँ एक बढ़िया स्रोत है अपने स्किन को अच्छा और फाइन बनाने का, तो इसलिए आप इन तीनों चीज़ों को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।